हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। मैं हूं बच्चों प्रज्वल सिंह, आपका टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज बच्चों हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की केमिस्ट्री, क्लास 11th का रसायन विज्ञान। तो आइए बिना लेट किए, आपका बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, हमारे मन में रसायन विज्ञान क्या है, ये तो क्वेश्चन उठता ही रहा होगा बच्चों कि रसायन विज्ञान है क्या, रसायन विज्ञान को पढ़े क्यों, और रसायन विज्ञान हमारे लाइफ को कैसे इफेक्ट करती है, कैसे प्रभाव डालती है। तो सबसे पहले बच्चों, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान मीन्स केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान मीन्स केमिस्ट्री। केमिस्ट्री शब्द जो है बच्चों, वो कीमिया से बना हुआ है। किससे बना हुआ बच्चों? कीमिया। रसायन विज्ञान का जो शब्द है बच्चों, वो किससे बना हुआ है? कीमिया। अब कीमिया का क्या मतलब होता है बच्चों? कीमिया का मतलब होता है बच्चों काले लोग, और किसी किसी बुक में बच्चों आप पाएंगे काली मिट्टी। क्या बच्चों? काली मिट्टी। तो आप प्रिफर सबसे ज्यादा किसे कीजिएगा? काले लोग को बताने में सबसे ज्यादा प्रिफर कीजिएगा, क्योंकि अधिकांशतः बुक में आप काले लोग ही बच्चों पाएंगे, और कुछ बुक में बच्चों आप काली मिट्टी भी पाएंगे। देखो बच्चों, जो आपकी मिस्र देश है, वहाँ की जो लैंग्वेज है वो क्या है? आपकी लैटिन है। और उसे बच्चों स्टार्टिंग में क्या कहते थे? कीमिया कहा करते थे। और कीमिया शब्द धीरे धीरे क्या बन गया बच्चों? केमिस्ट्री बना। तो इसलिए जो कीमिया शब्द है वो रूपांतरित होकर के, या कि ये संशोधित होते होते क्या बना बच्चों? आपकी केमिस्ट्री बना। और जिसका मतलब होता है काले लोग, मतलब कहने का ये काले लोग की केमिस्ट्री है। स्टार्टिंग में जो केमिस्ट्री का अभ्युदय माना जाता है, जो केमिस्ट्री का स्टार्टिंग माना जाता है, आपने सुना होगा मिस्र की पिरामिड, आपने सुना होगा ममी। अगर बच्चों आप ममी को देखेंगे तो वहाँ पर जो भी लोग मर जाया करते, जिनकी मौत हो जाया करती थी, उनको हम जो कहते हो रखने के लिए उनके बॉडी पे, उनके शरीर पे एक लेप लगाया करते थे बच्चों। और लगभग वो 1000-2000 साल वैसे ही बने रहते थे। तो इस रसायन विज्ञान का, इस केमिस्ट्री का जो उपयोग बच्चों इतना ज़बरदस्त रहा कि ये कुछ टाइम में ही पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में ज़बरदस्त तरीके से बच्चों फैल गया। और अब बच्चों देखिए, तो कीमिया का मतलब होता है बच्चों काले लोग। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई बच्चों? कीमिया शब्द से हुई है। इतनी बातें क्लियर हुई। अब बच्चों इसमें हम पढ़ते क्या है, आओ इसके बारे में हम जानें। अर्थात बच्चों, ये बात हमारे सामने निकल के आई कि जो आपकी रसायन विज्ञान है बच्चों, केमिस्ट्री है, इसके शब्द की उत्पत्ति केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया मीन्स CHEMIA, कीमिया शब्द से हुई है। जिसका अर्थ क्या बच्चों? जिसका अर्थ काले लोग। क्या बच्चों? काले लोग।
होता है। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, आप रसायन विज्ञान बहुत ही उपयोगी होने के कारण कुछ ही समय में पूरे विश्व में फैल गया। क्या बच्चों? पूरे विश्व में फैल गया। अब आगे बच्चों आपका जो क्वेश्चन लगा हुआ है यहां पर, जो हमने हेडिंग लगा रखी है रसायन विज्ञान है क्या, तो बच्चों जैसे आपका ये मार्कर है, ये बच्चों आपके सामने एक बच्चों क्या ड्रा किया, एक मार्कर ड्रा किया बच्चों। अब जैसे बच्चों आप इस मार्कर को देखेंगे तो आपके मन में कोई ना कोई क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि मार्कर कैसे बना होगा, इसके बच्चों संरचना और इसके संगठन क्या होंगे, और इसके बाद बच्चों इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, और इसके बाद बच्चों इस पर बाह्य कारकों का प्रभाव क्या होगा, और इसका उपयोग क्या होगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन बच्चों आपके मन में बनेंगे। तो यही सब बच्चों क्या है, इन्हीं क्वेश्चन का जो उत्तर होगा, जो आंसर होगा, वही आपका क्या बच्चों, केमिस्ट्री है। तो क्या बच्चों, कैसे बना होगा, मतलब आप कह रहे बच्चों क्या बनाने की विधि, क्या बच्चों बनाने की विधि। अगर बच्चों इसके बात करें आप संरचना संगठन की, तो संरचना और संगठन, और संरचना मतलब क्या होता है बच्चों, आपके परमाणु, परमाणु की आकाशीय व्यवस्था, और संगठन मतलब क्या होता है बच्चों, घटकों का अनुपात। ये बच्चों दोनों पॉइंट को थोड़ा विस्तृत करेंगे तो ये चीजें आप पाएंगे कि क्या पाएंगे, संरचना मीन्स होता है बच्चों परमाणु की आकाशीय व्यवस्था, तो मतलब कोई भी यदि परमाणु है उससे अदर परमाणु किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, या उसी जैसे परमाणु उससे किस प्रकार जुड़े हुए हैं। और बच्चों अगला है संगठन, जैसे कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना हुआ है तो उनका रेशियो क्या है, उनको हम किस किस अनुपात में बच्चों मिलाकर बनाए हैं, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। इसके बाद बच्चों गुड़, गुड़ क्या है बच्चों, तो एक अब रंग रूप आकार जैसे देखते हैं उसको हम भौतिक गुण कहते हैं बच्चों, और एक क्या होगा बच्चों रासायनिक गुण होगा, ये आप दोनों देखेंगे। इसके बाद बच्चों बाह्य कारकों का प्रभाव, अब बाह्य कारक क्या है बच्चों, जैसे ताप, जैसे उष्मा, जब कोई पदार्थ है उस पर बाह्य कारक इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या पड़ेगा बच्चों, ये सब चीजें बाह्य कारक इस पर क्या इफेक्ट डालेंगी, इसका अध्ययन
उपयोग और इसका हम उपयोग क्या करेंगे, ये चीज़ों का अध्ययन क्या करेंगे बच्चों, केमिस्ट्री में करेंगे। मतलब आप कह सकते हैं क्या, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम मार्कर, बच्चों एक पदार्थ है ना, मार्कर एक पदार्थ है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ की संरचना संगठन, पदार्थ की संरचना संगठन। इसके बाद बच्चों बनाने की विधि, संरचना संगठन बनाने की विधि, और बच्चों गुणधर्म, बाह्य कारकों का प्रभाव, बाह्य कारकों का प्रभाव जैसे बच्चों ऊष्मा ताप आदि तथा इसके उपयोग का अध्ययन। तथा इसके उपयोग का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान क्या बच्चों, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ की संरचना संगठन बनाने की विधि, गुणधर्म, बाह्य कारकों का प्रभाव जैसे ऊष्मा ताप तथा पदार्थ का उपयोग तथा इसके उपयोग का अध्ययन बच्चों क्या करते हैं, रसायन विज्ञान में करते हैं। और बच्चों अब यदि हम रसायन विज्ञान का डिवाइड करें, पार्ट्स करें, तो आपको पता है कि रसायन विज्ञान के कई पार्ट्स हो सकते हैं। जैसे क्या क्या बच्चों, अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और बच्चों भौतिकी केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, और बच्चों आपकी औद्योगिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसके अलावा बच्चों कई टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन बच्चों यदि हम आपके बेस पर कहें तो आप केवल तीन पार्ट्स याद रखिएगा, कौन कौन बच्चों, अकार्बनिक, क्या बच्चों, अकार्बनिक, कार्बनिक, और बच्चों क्या, भौतिकी, भौतिकी रसायन, कार्बनिक रसायन, और क्या बच्चों, अकार्बनिक रसायन। ये बच्चों हम आपका अध्ययन करते हैं। अकार्बनिक क्या कहते हैं बच्चों, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक को क्या कहते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भौतिकी को क्या कहते हैं बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री। क्या बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री। ये चीजें बच्चों हम
आपका रसायन विज्ञान के अंतर्गत बच्चों हम पढ़ेंगे तीनों पार्ट्स, और कौन कौन इनके जन्मदाता माने जाते हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन बच्चों हम अगले लेक्चर में करेंगे। ये आपका बच्चों इंट्रोडक्शन क्लास है, और इसमें हमने मेनली क्या क्या देखा एक बार से हम आपका फिर से देख लेते हैं कि हम यहाँ पर देखें बच्चों आपकी रसायन विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति क्या है बच्चों, और कुछ चीज़ें हम आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं बच्चों। जैसे स्टार्टिंग में बात करें, सबसे पहले कौन सा धातु खोजा गया था, आपको पता होना चाहिए बच्चों कि सोन नदी से मिलने वाला जो वहाँ पे बच्चों बालू होते हैं उसमें सबसे पहले खोजा जाने वाला धातु सोना था। क्या था बच्चों? सोना। यहाँ बच्चों लिख रहे हैं सबसे पहले प्राप्त धातु क्या था बच्चों? सोना, जिसको लैटिन में क्या कहते हैं बच्चों? आरम कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? आरम। अब बच्चों इसको लैटिन में कहते हैं। अब एयू जो है बच्चों इसको हम क्या कहते हैं? भी आपको बताया हमने, क्या कहते हैं? सोना। और सोना किससे प्राप्त हुआ बच्चों? सोन नदी से। किससे मेरे प्यारे बच्चों? किससे प्राप्त हुआ था? सोन नदी से आपका सोना प्राप्त हुआ था। क्या यहाँ तक आपको कोई डाउट है? अगर कोई डाउट हो बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये बच्चों केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई ये देखा। इसके बाद बच्चों ने देखा रसायन विज्ञान की डिफिनीशन बच्चों यहाँ पर हमने देख लिया। ये क्या बच्चों? परिभाषा है। क्या आपकी परिभाषा? DEFINITION। ये बच्चों इसका क्या है? डिफिनीशन। और बच्चों हम किस प्रकार से डिफिनीशन को आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, किस प्रकार से बताए हैं, ये यहाँ पर है बच्चों। केवल हमने यही तक देखा है बच्चों। मुझे आशा है, आई होप बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इसको लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।